यहाँ पर हमने इस बार कुछ अलग तरीके से खेती करने की कोशिश की है। अभी तक क्या था कि जो परंपरागत तरीके से खेती होती थी उसी पर ज़्यादा फोकस रहता था हम लोगों का। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जितने भी किसान हैं उस इस चीज़ को अगर घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पॉजिटिव लेंगे तो वो भी इसी तरीके की खेती को आजमाएं। कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीके की अगर खेती करेंगे तो उनको मुनाफा ज़्यादा होगा, साथ में खुद भी ऑर्गेनिक जो सब्जी रहती है उसको खा पाएंगे। जैसे ये इधर थोड़े से हिस्से में हम लोगों ने इधर ये तुअर लगाई है, जो हमें लगभग 2 से 3 साल तक खाने के लिए घर के लिए हो जाएगी, पूरे परिवार के लिए। साथ में ही इसमें से हम कुछ उत्पादन करके उसको सेल भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से हिस्से हम लोगों ने इस खेत में बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये धनिया है, मूली है और मेथी वगैरह है और प्याज वगैरह है। फिर और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोगों ने छोटे छोटे कुछ हिस्सों में भाई पपीते की दाल बनता है यार। खेती भी की है। और तो ये पपीते भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा आपको, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम मैं आपको बता देता हूँ, ये पपीता है, देखिए। ये इस तरह की खेती करेंगे, इस एक ही खेती में हम कई तरह एक ही खेत में, ये लगभग 1 से 2 बीघा का खेत है, और इस एक ही खेत में हम बहुत अलग अलग तरीके की खेती ले रहे हैं। और आप देखिए ज़रा यहाँ पर ये पूरे में जो भी आप देख रहे हैं ना, ये लहसुन है। और लहसुन कौन सा बोया है, कितनी उपज होगी, कितना इसमें बीज लगा है, किस तरीके से खेती की है, वो भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। ये पपीता देखिए, पपीते के अलावा हम लोगों ने जो खेती की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जितनी भी मेड़ है ना, ये मेड़ इनमें हम लोगों ने आलू लगाया है, लगभग 20 से 30 केजी आलू लगाया है, तो उसका उत्पादन भी होगा और उसका भी बम्पर फसल आएगी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हमारा ये 1 से 2 बीघा में कुछ उत्पादन या फिर कुछ पैसे में इजाफा होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये अनार लगाए हैं, ये अनार की एक लाइन लगा दी है, कुछ 8 से 10 अनार हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए, ये बीच बीच में हमने जामफल, ये देखिए जामफल लगाए हैं, और उसके बाद नींबू वगैरह भी लगाए हैं। ये देखिए ये अनार है, ठीक है। इसके अलावा भी हमने 8 से 10 नींबू भी के पेड़ भी लगाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे चल के फसल देंगे या फिर अच्छा खासा। और फिर बीच में आम भी हैं और सोजना की फरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने लगाई है इस पूरे खेत में, आप देख रहे होंगे ये हम लोगों ने लहसुन लगाया है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लहसुन लगाने से पहले हम लोगों ने खेत की तैयारी किस तरीके से की। तो लहसुन लगाने के लिए आपको खेत की जो मिट्टी रहती है वो बहुत ही पतली हो जानी चाहिए। उसमें 2 से 3 बार आप अगर हाँक दें, मतलब पलटा चला दें, 2 से 3 बार आप उसमें रोटावेटर चला दें, जिससे कि उसमें जो क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े मिट्टी के रहते हैं वो हल्के पिस जाएं। उससे क्या रहेगा कि आपकी फसल अच्छी होगी, लहसुन की फसल अच्छी होगी। ये तो आपको कर देना। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये आप देख रहे होंगे ये क्यारियाँ बनाई हैं, एक लंबी सी लाइन कर दी। और उसके बाद फिर जो जो लहसुन लगाया थोड़ा सा क्या है, डेंस हो गया, घना हो गया है, लेकिन फिर भी आपको 10:10:15 का रेशियो रखना है डिस्टेंस का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 का डिस्टेंस रखना है आपको, 10 mm का डिस्टेंस रखना है आपको पेड़ से पेड़, और 15 mm का डिस्टेंस रखना है आपको पौध से पौध की दूरी। तो ये अगर आप रखेंगे तो और अच्छा लहसुन होगा, क्योंकि उसके नीचे की गुठलियाँ रहती हैं, वो गुठलियाँ धरती में आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगी अगर इतनी डिस्टेंस पर रहेंगी। तो ये एक अच्छा है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर उसके बाद रुपाई के लिए कुछ मजदूर किए और मशीन भी आती हैं आप लगाने के लिए। इसके बाद फिर हमने उन मजदूरों की सहायता से ये लहसुन लगाया है।
महादेवा प्रजाति है और इसकी औसत उपज की अगर बात करें दोस्तों तो 20 से 25 क्विंटल प्रति बीघा इसका उपज होती है। और ये लगभग 1.5 से 2 बीघा में है हमारा लहसुन। और अगर 20 औसत अगर 20 भी उपज मान लें हम कि 20 क्विंटल पर बीघा तो लगभग 40 क्विंटल यहाँ पर लहसुन उग सकता है। ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अभी तो ये फसल हम लोगों ने लगाई है, बट इसका अगर ट्रेंड हमने जो देखा है इस प्रजाति का ट्रेंड, तो लगभग इस प्रजाति का ट्रेंड इतना ही रहा है कि 10 से यस 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा, तो ये इतना आ सकता है। और इसके अलावा अगर कॉस्ट की बात करें और इस लहसुन की प्राइस जो मार्केट में है, वो मार्केट में इसकी प्राइस है लगभग 15,000 प्रति क्विंटल अभी जो चल रहा है, वो 10 से 15 रहता है, 10 भी अगर मान लेते हैं तो। और अगर उपज की बात करें 40 होती है तो लगभग 2-3 से 4 लाख रुपए इसमें शुद्ध मुनाफा होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर इसी खेत में अगर अभी हम बात करें तो गेहूं चना लग रहे हैं, अगर वो हम फसल लगा देते तो हमको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इस लहसुन में होगा। कहीं ना कहीं हम 102 बीघा में जो गेहूं रहता है उसकी 10 बीघा की फसल हम 102 बीघा में इस लहसुन से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप खेती करें। दूसरा, अगर आप फार्म हाउस आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। नंबर दिया, इस नंबर पर कॉल करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरीके की फार्मिंग बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास है बेल आइकन उसे दबा दें। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं आप लहसुन की खेती के बारे में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो आप कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।